नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो के बोकारो थर्मल में भाजपा के पूर्व सांसद आवासीय कार्यालय में बेरमो अनुमंडल के डुमरी, गोमिया व बेरमो विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य में चल रही यूपीए की सरकार के विरोध में भाजपा द्वारा झारखंड सरकार की विफलताओं को लेकर भाजपा द्वारा आहूत राज्य स्तरीय 23 नवंबर को संपूर्ण जिला मुख्यालयों में विशाल प्रदर्शन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, बाटुल प्रखंड स्तरीय भाजपा मंडल के पंचायत पदाधिकारी सहित काफी संख्या में पदाधिकारी गण आज की बैठक में शामिल हुए। देखिए, इसका तैयारी तो व्यापक स्तर पर चल रहा है और अभी पिछले दिनों जो प्रखंड स्तर पर जनाक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है उसमें जन सहभागिता भी काफ़ी रही है। तो इससे पता चलता है कि आम जनता में ये हेमंत सरकार के प्रति आक्रोश है और 34 महीने में यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास का काम ठप है। केवल दोषारोपण करके ये भ्रष्टाचार से अपना ध्यान हटाना चाहती है सरकार। और अभी पिछले दिनों जैसे सभी प्रखंड मुख्यालयों में, बोकारो जिला के 9 प्रखंड मुख्यालय में काफ़ी जो है सो प्रभावी जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ, उसी तरह से 23 तारीख को भी जिला मुख्यालय पर काफ़ी प्रभावी जो है सो जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ। बेरमो अनुमंडल के सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति जिला के पदाधिकारियों की यह बैठक बैठक का उद्देश्य है कि आगामी 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का के तरफ से जिला में प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम है और जो है लक्ष्य है वो हम लोगों का 10,000 की संख्या के हिसाब से करना है। उसी के लिए यह बैठक की 10,000 की संख्या के हिसाब से पूरे जिला में जो करना है उसमें बेरमो अनुमंडल से कितने लोग जाएंगे और उसके लिए लोगों ने अपना अपना आंकड़ा दिया है, हमारे मंडल अध्यक्षों ने दिया है, मोर्चा के अध्यक्षों ने दिया है और हम समझते हैं कि यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हमारा जिला में होगा और इससे वर्तमान सरकार को निश्चित रूप से एक बात का हम लोग एहसास कराएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और नए झारखंड, नव निर्माण झारखंड की दिशा में जो हम आगे बढ़े थे उसको फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा अपेक्षा है। आप लगातार देख रहे हैं कि इस जिला या प्रदेश के अंदर में खनन का घोटाला, अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रखंड के सभी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोयला का बेधड़क रूप से 2 नंबर कोयला का जो है नायास चोरी हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस राज्य के अंदर में स्टोन क्रेशर का भी लूट हो रहा है, उसके साथ में बालू अभी तक टेंडर नहीं हुआ, लोगों का काम नहीं हो रहा है, आम पब्लिक को जो अपना मकान बनाना है इन्होंने सरकारी जो आवश्यकता है योजनाओं का उसके लिए भी जो है बालू नहीं मिल रहा है और यदि मिल रहा है तो कई गुना दाम में ज़्यादा मिल रहा है, लोगों का पैसा पॉकेट से जो है दोहन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस में जो दलाल लगे हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए दलाल लगे हुए हैं, उनका पॉकेट भर रहा है। ये पूरे राज्य की स्थिति है और इस राज्य की स्थिति में जो हमारे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर से जो नेतृत्व का है कि इस ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारा जन आंदोलन निश्चित रूप से हमारा तैयार होगा। इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में अलग अलग तिथि को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हुआ है। अभी हाल के दिनों में मंडल स्तर पर और प्रखंड स्तर पर भी प्रदर्शन हुआ, उसका एकमात्र जो वर्तमान की स्टेट में गवर्नमेंट है ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है और आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है। इसलिए
वृहत रूप से ये प्रदर्शन होगा और ताकि झारखंड की जनता, बोकारो जिला की जनता को ये महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस सरकार के क्रियाकलाप और गलत प्रवृत्ति के विरोध में अविलंब इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त धरना होगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।